दोस्तों, हम हमेशा अहिंसा जैसे शब्द को सुनते आए हैं। जैन धर्म में तो अहिंसा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक रूप से नुकसान न पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म से भी कोई दुख न देना अहिंसा है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा करने में सफल होते हैं? शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो ऐसा कर पाता है। हम एक दिन में न जाने कितने ही लोगों को दुख पहुँचाते हैं, कुछ को जानबूझकर तो कुछ को गलती से। यदि आप भी ऐसा करते हैं या फिर जाने अनजाने में आपसे भी ऐसा हो जाता है, तो हम आपको श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेखित 5 ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके साथ बुरा करने पर ही नहीं बल्कि उनके विरुद्ध गलत सोचने भर से आपका नुकसान होने लगता है। तो आइए जानते हैं कौन से है वो 5 जन जिनके खिलाफ कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें दुख या कष्ट पहुँचे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है देवताओं का। रावण सभी देवताओं को अपना शत्रु मानता था। वह एक एक करके सभी देवताओं को पीड़ा देने लगा था। उसका यह व्यवहार और घमंड ही उसके नाश का कारण बना था। रावण को उसके कर्मों की सजा देने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से श्री राम के रूप में अवतार लेने की प्रार्थना की। बाद में श्री राम ने रावण का उसके बुरे कर्मों के फल स्वरूप उसका वध कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को भी देवताओं के लिए मन में द्वेष की भावना नहीं देना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना करना पड़ रहा हो, लेकिन हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आते हैं वेद। असुर हमेशा से ही देवताओं को अपना शत्रु मानते आए थे। वे हमेशा कुछ न कुछ करके देवताओं को परेशान करने के बारे में सोचते रहते थे। कई असुरों ने भगवान ब्रह्मा से वेदों को छीनने और उन्हें नष्ट करने की भी कोशिश की। जिन जिन असुरों ने वेदों का सम्मान नहीं किया, उन्हें खुद भगवान ने दंड दिया है। इसीलिए मनुष्य को अपने धर्म ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों का सम्मान करना चाहिए। रोज अपने दिन की शुरुआत कोई न कोई धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ पढ़कर ही करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अपने हर काम में सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, तीसरी है गाय। बलासुर एक असुर था। एक बार उसने देवताओं की सभी गायों का अपहरण कर लिया और उन्हें पीड़ा देने लगा। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो गायों को कष्ट पहुँचाने के दंड स्वरूप बलासुर का वध कर दिया और सभी गायों को उसके बंधन से मुक्त करवाया। इसी प्रकार जो मनुष्य गायों का सम्मान नहीं करता, उन्हें पीड़ा देता है, वह भी राक्षस के समान ही माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार जो मनुष्य रोज सुबह गाय को भोजन या चारा देता है और उनकी पूजा करता है, उसे धन संपत्ति के साथ साथ मान सम्मान भी प्राप्त होता है। दोस्तों, चौथे हैं ऋषि। एक बार ऋषि मैत्रेय धृतराष्ट्र से मिलने के लिए उनके महल में आए थे। धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने ऋषि का बहुत स्वागत सत्कार किया। महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन को अधर्म और जलन की भावना छोड़कर धर्म का साथ देने को कहा। वे उसे पांडवों से दुश्मनी छोड़कर मित्रता करने को कहने लगे। ऋषि की बात का अपमान करते हुए दुर्योधन उन पर हंसने लगा। इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषि ने दुर्योधन को युद्ध में मारे जाने का श्राप दे दिया था। इसीलिए हर किसी को ऋषियों और साधुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी दी गई सलाह का पालन अपने जीवन में करना चाहिए। ऋषियों और साधुओं के मार्गदर्शन से मनुष्य की हर कठिनाई आसान हो जाती है और वह किसी भी मुसीबत का सामना बहुत ही आसानी से कर लेता है। दोस्तों, पांचवा है धर्म कर्म। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र था, लेकिन उसका मन हमेशा ही धर्म के कामों में लगा रहता था। वह हमेशा से ही पांडवों को अपना शत्रु और दुर्योधन को अपना मित्र मानता था। इसी वजह से उसने दुर्योधन के साथ मिलकर जीवन भर अधर्म का साथ दिया और अधर्म ही करता रहा। धर्म की निंदा करने और अधर्म का साथ देने की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे दर दर भटकने और उसकी मुक्ति न होने का श्राप दिया था। जो मनुष्य धर्म कामों को छोटा मानकर गलत कामों में अपना मन लगाता है, वह हमेशा ही अपना नुकसान करता है। तो दोस्तों, ये है वो 5 जन का अपमान और बुरा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।